नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे आज के सेशन में। आप जहां पर भी वीडियो देख रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। किस तरह के वीडियोज अवेलेबल है? क्वांट के DILR, वर्बल रीजनिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग, कंटेंट डेवलपमेंट सेशन, मतलब बेसिकली करंट अफेयर, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। और अभी जनवरी से आपके GDPI के लिए, क्योंकि अब आप लोग GDPI में भी जाएंगे तो उसके वीडियोस भी वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, GDPI और इंटरव्यूज के। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो अलग अलग MBA एंट्रेंस एग्जाम्स है, वो CAT, ZAT, MAT, IFT, CMAT, NMAT, इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो जॉब रिलेटेड एग्जाम जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे के एग्जाम, कैंपस के एग्जाम या इवन GRE, GMAT की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियोज बहुत ही उपयोगी है। मैं एग्जैक्टली पूरी क्लास तो ऑनलाइन इसमें रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर, क्योंकि क्लास में बहुत टाइम होता है, इनफाइनाइट टाइम होता है हमारे पास, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि इंडिया में आप कहीं पर भी बैठे होंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ और आप नोट्स बना रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एमबी ट्रेनर एप्टीट्यूड सीरीज और आज का हमारा एजेंडा सिंप्लीफिकेशन। आप देखेंगे मैं बहुत ज़्यादा इस सिंप्लीफिकेशन वाली चीज़ों को प्रेफर करता हूँ। ये सारे के सारे एग्जाम्स अलग अलग, सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लास्ट टाइम, अभी तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और इस तरह क्वेश्चन पूछे ही चले जाते हैं। इस क्वेश्चन में आने के पहले एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि देखिएगा ध्यान से कि मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 2² × 3, मैं आपसे पूछूं कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सच दैट ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या कहेंगे बताइए? आप बोलेंगे सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर इवन होना चाहिए, तो यहां पे 2² है, एक काम कीजिए ना, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये हो जाएगा 2² × 3². बिल्कुल सही बात है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि 2⁵ लिखा हुआ है, 3³ लिखा हुआ है एंड 5⁴ लिखा हुआ है, मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि सच दैट एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब के लिए पावर क्या होना चाहिए? 3 के मल्टीपल्स, तो ये तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, क्या ये 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं, तो सर इसको एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2⁶ हो जाएगा। सर एक काम कीजिए ना, इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5³ भी हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 नहीं लिखा है ना, 1 है, ऐसा हो जाएगा, मतलब 2⁶, 3⁴, 5⁴ हो जाएगा। कब जब आप इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, 2 × 5 मतलब 10, यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, अग्री करते? बिल्कुल सही बात है। 2017 में पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नंबर वाई सच दैट, यहां पे लिख के दिया गया y × 162 इज अ परफेक्ट क्यूब, सच दैट y × 162 इज अ परफेक्ट क्यूब। कभी भी ऐसा आपको लिख के दिया जाए y × 162 इज अ परफेक्ट क्यूब, सबसे पहले क्या करें, इस कंपोजिट नंबर को देखिए, कैसा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को देखिए और इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो अगर मैं इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × 81, एग्री करते? 81 का मतलब क्या हुआ भाई, 3⁴। अब परफेक्ट क्यूब के लिए, क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए आप बताइए, अभी मैं आपको जस्ट बोला अगर आपको बनाना है इसे परफेक्ट क्यूब तो आपके पावर क्या चाहिए, 3 के मल्टीपल में। 3 के मल्टीपल के लिए मैं क्या करूं, इसे मैं 2² से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2³ हो जाएगा और इसे 3² से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिकली 2² × 3² राइट पॉइंट है। तो 2² का मतलब हो गया 4, 3² का मतलब हो गया 9, सो आंसर आ गया 36। ऑप्शन चेक करें, आंसर 24 बिल्कुल नहीं, 27 बिल्कुल नहीं, 32 बिल्कुल नहीं, ये रहा हमारा आंसर राइट। आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा तो सेम इसी क्वेश्चन को आप मुझे बताइएगा, अगर y × 24 लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच, मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच 24 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सच दैट, दोनों बताइएगा आप मुझे कि आपको क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर भी मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब मिले, दोनों का आंसर बताइएगा। ठीक बात है, क्लियर हो गया यहां से आता, चलिए आगे आइए। इस साल 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो तीनों की तीनों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, स्पेशली जॉब ओरिएंटेड एग्जाम जैसे कि बैंक, SSC का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, कैंपस एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, यहां पे क्या लिखा है, इफ द नंबर 1715 blank 423 इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो देन द स्मॉलेस्ट
होल नंबर कहां पे, इस ब्लैंक वाली जगह में जो है। एक बात आप बताएंगे मुझे, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो अगर आप मेरे साथ नोट बना रहे हैं तो एक छोटा सा नोट भी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल किसका? थ्री, और थ्री का बड़ा भाई नाइन। ठीक बात है भाई। अगर मान लीजिए ए बी सी डी एक फोर डिजिट नंबर है तो हम डिजिट सम किस चीज को कहेंगे? डिजिट सम हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो किसी भी नंबर के केस में अगर डिजिट सम थ्री से डिविजिबल है तो वो नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर डिजिट सम नाइन से डिविजिबल है तो वो नंबर भी नाइन से डिविजिबल होगा। अग्री करते हैं? कितना भी आसान कुछ पढ़े, सिंपल से सिंपल, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लिखें। एग्जाम्पल 980172। डिजिट सम देख लेते हैं। डिजिट सम का मतलब जो यहां पे हुआ 9 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2, आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 27 तो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब, इसका मतलब 980172 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक बात है भाई। क्या 27 9 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे यस सर, है तो सही। तो 980172 ये भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक बात है ना भाई। चलिए, तो अगर ऐसा है तो फिर अब इस सवाल पे आते हैं। हमसे बोला कि इस ब्लैंक में मिनिमम क्या आना चाहिए सच दैट ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। 715 ब्लैंक 423 डिविजिबल होना चाहिए 3 से। देखो आप तो सबको ऐड कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो भी ना, अलग से अलग अलग, मतलब 3, हाँ 3 तो 3 से डिविजिबल हो गया। 4 प्लस 2 6, हटाओ इसको ये भी डिविजिबल हो गया। 7 प्लस 5 12, 12 भी 3 से डिविजिबल हो गया। 1 एक बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 1 प्लस 2 हो गया 3। अग्री करते भाई। 3 डिविजिबल था, 4 प्लस 2 6 वो भी डिविजिबल था, 7 प्लस 5 वो भी डिविजिबल था, तो 1 के साथ क्या 2 रख दिया हम लोग, तो यहाँ पे 0 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, 5 नहीं 6 नहीं 2, यस एकदम क्लियर। आपको आप इसी क्वेश्चन मुझे बताइएगा, अगर इस नंबर को 9 से डिविजिबल होना है तो यहां पे मिनिमम स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर ब्लैंक में क्या आएगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे। ठीक है भाई, चलिए इधर आइए। सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2018 फरवरी में ही। मैं आपको बोलूंगा सिंप्लीफिकेशन से बहुत अच्छा, मतलब बहुत वेटेज आता है। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछा गया। आप अगर इसको पहचान पा रहे होंगे तो ये क्या है? ये है इनफाइनाइट जीपी, बिंदी 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 कर दिया, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में आप बीच में प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 64 प्लस 1 बाई 256 एंड सो ऑन। ये मतलब है इनफाइनाइट जीपी। इस चीज को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल ए के रूप में। और इसी तरह से होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या लिखते हैं हम लोग? बाद वाला टर्म, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, पहले वाला टर्म। ठीक बात है भाई। तो बाद वाला टर्म कोई से भी ले सकते हो, 1 बाई 4 अपॉन 1 ले सकते हो आप, या आप चाहो तो 1 बाई 16 अपॉन 1 बाई 4 ले सकते हो, जो भी चाहो। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो हमको तो दिख गया इनफाइनाइट जीपी। सोचिए, अब सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है हम लास्ट तक अगर नहीं देखते ना तो मिस हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या है भाई? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास ये रहा 1, कॉमन रेशियो 1 बाई 4, आंसर आ गया 4 बाई 3। कुछ रखा है बताइए आप इसमें? ये आ गया आंसर 4 बाई 3। 2 आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं। 3 बाई 2 ये भी नहीं। 7 बाई 4 बिल्कुल नहीं। ये रहा 4 बाई 3, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर आपको? ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई आपको? आपके बनाने के लिए क्वेश्चन आपको देता हूं। यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा होता, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 16 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। इसका आप मुझे बताइएगा सम ऑफ द सीरीज क्या आएगा। तो मैंने आपको तीन क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए, 2017 के एक, 17 का एक क्वेश्चन था और 2018 के दो क्वेश्चन थे, और मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए बनाने के लिए। मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके क्या क्या आ रहे हैं। फाइन, तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। अब जहां पर वीडियो को देख रहे होंगे YouTube में, Facebook में, Instagram में, आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।